नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये एक आरओ वाटर प्योरीफायर सर्विस हो रहा है और सर्विस में बेसिकली इसके जो फिल्टर्स वगैरह चेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं यहाँ फिल्टर्स वगैरह, हमारे क्लाइंट जो हैं इनका कहना है, तो फिल्टर चेंज किए जाएंगे। ये इसमें ईचन का पंप देख सकते हैं, ये इसका सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर इसमें से निकाल लिया गया है और ये इसका यूवी सिस्टम है। एक्चुअली हमारे क्लाइंट का जो कहना है वो ये कहना है कि भाई इसका जो लाइट एक जलती थी यहाँ पे, इंडिकेशन एक आता था लाइटिंग वगैरह जो आती थी वो अब नहीं आ रही है, तो बेसिकली वो यूवी की लाइट थी जो ये बता रहे हैं, जिस पोर्शन में ये बता रहे लाइट आती थी वो हमने चेक किया है कि ये यूवी जो है ऑपरेट नहीं हो रही है। पहले शायद किसी से इन्होंने रिपेयर करवाया होगा 6-7 महीने पहले जो भी है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं इसमें यूवी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, हम इसे ऑन करके देख चुके हैं तो यूवी देखनी पड़ेगी। और यूवी बैरल जो है इसमें से भी थोड़ा, आप ये देख सकते हैं वाइट कलर की लेयर जो है, शायद नमकीन पानी चलता होगा तो उस वजह से ये है, यूवी बैरल भी इसका कुछ ख़राब हो रहा है। ख़राब होने के कारण इसमें से ड्रॉप बाई ड्रॉप लीकेज भी होने के चांसेज रहते हैं। तो ये हमारे फिल्टर्स हैं, कॉपर फिल्टर, एल्कलाइन फिल्टर, कार्बन फिल्टर, प्री सेडिमेंट फिल्टर और यूएफ, ये सारे फिल्टर्स इसमें चेंज किए जाएंगे। सॉरी, तो ये देखिए इसे जो है एडाप्टर से ऑपरेट किया गया है, इसमें SMPS यूज नहीं किया गया। यहाँ तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप LED वाली यूवी यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप SMPS से ऑपरेट करें एडाप्टर की बजाय, क्योंकि एडाप्टर से अगर ऑपरेट करते हैं तो हमारे LED यूवी या कोई भी यूवी रहती है उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो यहाँ हमने ये बाहर निकाल के यूवी चेक कर रहे हैं, इसके कनेक्शन इससे चेक करेंगे, वायरिंग वगैरह इसकी लगा के देखेंगे। तो अब ये वायरिंग हम इसमें लगाते हैं, DC के साथ इसमें हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने जब बाहर जो है वायरिंग लगा के देख रहे हैं तो हमारी यूवी काम कर रही है, हमने इसके कनेक्शन जो देखे बेसिकली इसमें जो देखने को हमें मिला कि इसके जो कनेक्शन हैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के जो पॉइंट रहते हैं वो शायद सही से नहीं जुड़े हुए थे और जिस वजह से इसकी जो यूवी काम नहीं कर रही थी। हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति हो जिसने ये LED यूवी इसे ऑपरेट कर दिया, उसे इस बारे में जानकारी ना हो कि भाई इसे यूवी को कैसे लगाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, अब इसका यूवी पूरा काम कर सकते हैं, इसमें आपको ब्लू कलर की लाइटिंग वगैरह देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ ये कहना चाह रहा था, एक कारण ये भी रहता है कि अगर हमारी LED वाली यूवी ऑपरेट नहीं हो रही है, अगर हमने फर्स्ट टाइम लगाई दोनों वायर उसकी कनेक्ट की नहीं चली, तो दूसरे हमें वायर जो है अलट पलट करके चेक कर लेना चाहिए। जिन भाइयों को ये आइडिया नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।